Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपको मखेला टेटर साई की ड्रेपिंग 5 अलग अलग स्टाइल्स में सिखाने वाली हूँ. वीडियो अगर पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो गाइज, आज की जो साड़ी है वो असम की एक ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल है. इसमें साड़ी की दो पार्ट्स होती हैं. अभी जो आप देख रहे हो ये है इसकी टॉप पार्ट, और इसकी बॉटम पार्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इसकी बॉटम पार्ट. और साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो जिनको लेना है हाईली रिकमेंडेड है, आप ब्लाइंडली इसको ख़रीद सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो चलिए इसकी ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं. तो हम पहले तो इसकी बॉटम वेयर की जब ड्रेपिंग करेंगे ना, तो राइट साइड से ही हम टक करना शुरू करेंगे, जैसे नॉर्मल साड़ी हम वेयर करते हैं ठीक वैसे ही. और टक करते हुए हम वापस से अपनी राइट साइड पर आएंगे. तो इस यहाँ पे बची हुई जितनी भी लेंथ है इनको हम प्लेट्स में तो अरेंज ज़रूर करेंगे. और प्लेट्स बनाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस एक बार देख सकते हो. तो प्लेट्स जब आप बनाओगे ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा आप चौड़ी ही रख सकते हो, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा प्लेट्स तो बना नहीं सकते. कम ही प्लेट्स बनाइए लेकिन परफेक्ट बनाइए. अब हम सारे प्लेट्स को अपने राइट साइड की डायरेक्शन पे घुमाकर इनको टक करेंगे. ऐसे जब हम नॉर्मल साड़ी वेयर करते हैं तो सामने के प्लेट्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होती है, बट यहाँ पे हम इनको राइट साइड की तरफ टक करेंगे. अब हम अपनी टॉप पार्ट की जो फैब्रिक है इनको हम प्लेट्स में अरेंज करेंगे. आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए इनको आसानी से प्लेट्स में अरेंज कर रही हूँ. तो इन सारे प्लेट्स को होल्ड करने के लिए आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये साड़ी क्लिप, क्योंकि साड़ी पिंस यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होल्स हो जाते हैं साड़ियों में. तो इसीलिए आप भी चाहो तो ये क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो. इनमें काफ़ी अच्छे से प्लेट्स होल्ड रहते हैं, आप जैसे देख सकते हो. तो अब मैं ठीक थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या करूँगी कि सारे प्लेट्स को मैं बाहर निकालूँगी. आप जैसे कि देख सकते हो, एक बार बाहर की तरफ निकाल कर मैं इनको अपने हाथों से प्रेस कर दूँगी, ताकि जब मैं इनको गैदर करना स्टार्ट करूँ तो आसानी से इनके क्रीजेस मुझे विजिबल हो और सारे के सारे प्लेट्स की साइज़ एक समान रहें. क्योंकि जब प्लेट्स बड़ी छोटी हो जाती हैं तो बाहर की तरफ ये किनारों से दिखने लगती हैं, तो इसीलिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो. और बीच बीच में मैं ये साड़ी क्लिप इस्तेमाल करती हुई जाऊंगी, और शोल्डर पे भी मैं ये क्लिप ही इस्तेमाल करूंगी. कोई भी मैं यहाँ पे पिन यूज़ नहीं करूंगी, सेफ्टी पिन. और सामने की तरफ मैं अंदर वाली बॉर्डर को ऊपर की तरफ एक छोटी सी स्मॉल प्लीट बनाते हुए भी साड़ी की प्लेट्स को अरेंज करूंगी, और यहाँ पे भी मैं क्लिप का इस्तेमाल करूंगी ताकि बॉर्डर हमारे नेक के ऊपर ज़्यादा चढ़ी हुई ना दिखे. अब जब ये बॉर्डर घूमकर हमारे कमर के पास आएगी तो इसकी जो दूसरी वाली कॉर्नर है हम इसको सेट करना सीखेंगे. तो यहाँ पे देखिए, आपको फैब्रिक को अपने कमर पे अच्छी तरीके से लाना है घुमाते हुए, और फिर आगे की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक आपको ऊपर की तरफ उठानी है, जैसे कि आप देख सकते हो. और कमर पे जैसे भी प्लेट्स बन रहे हैं केवल आपको उनको अपने दूसरे हाथ से सेट कर देना है. इसके बाद जो फैब्रिक हमारे कमर पे ठीक बेली बटन के पास आई हुई है इसको हम उसी जगह पे इन कर देंगे. ये आप देख सकते हो मैं आपको किस तरीके से समझा रही हूँ. और इनको अब हमें केवल टक कर देना है, फिर साड़ी क्लिप हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे. और बाहर की तरफ अभी जो ये फैब्रिक निकली हुई है हम इनको ऐसे सेट करेंगे ताकि बिल्कुल वाटरफॉल टाइप की ये हमारे कॉर्नर्स पर सेट हो जाएँ. अब हम केवल अपने हाथों से इनको प्रेस कर देंगे. तो यहाँ पे जितने भी जिगजैग तरीके से प्लेट्स आ रहे हैं इनको केवल हमें अच्छी तरीके से सेट कर देना है प्रेस करते हुए. इस लुक को इन्हेंस करने के लिए आप वेस्ट चेन का इस्तेमाल कीजिए. चेन को अपने कमर के ऊपर आप हल्की सी लूज़ करते हुए ही सेट कीजिए, ताकि इससे आपकी कमर भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे और आपकी लुक भी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो. तो देखिए ये हो गई इसकी फाइनल लुक. तो चलिए अब इस सेम फैब्रिक को ड्रेप करने का हम दूसरा तरीका सीखते हैं. तो हमारी जो बॉटम वाली फैब्रिक है, पहले तो हमने राइट की तरफ डायरेक्शन करते हुए सारे प्लेट्स बनाए थे. इस बार हम जैसे नॉर्मल साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं ठीक उसी तरीके से बनाएंगे, यानी कि सारे प्लेट्स की डायरेक्शन हम अपनी लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे.
और जितनी भी फैब्रिक हमें टक करनी है हम उन्हें पहले ही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेट कर लेंगे, इनको इन करेंगे और राइट की तरफ जितनी फैब्रिक बची हुई है उनको भी हम टक कर देंगे। अब हम अपनी टॉप वाली फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी जो दूसरी वाली साइड है, एक साइड तो आप देख रहे हो प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट हैं, तो दुपट्टे की जो दूसरी वाली साइड है हम इसको ठीक उसी तरीके से सेट करेंगे जैसे अभी हमने कुछ देर पहले सेट किया था वाटरफॉल टाइप से। तो थोड़ी सी ऊपर वाली लेंथ को छोड़ते हुए हम बीच से फैब्रिक को पकड़ते हैं और सामने की जो लास्ट वाली प्लेट है उससे हम अटैच करते हुए इनको टक इन कर देंगे। अब हम शोल्डर से प्लेट्स को उठाएंगे और साइड पे जो बन रही है प्लेट्स पहले इनको तो हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे और फिर सामने की तरफ से ही हम अपने दुपट्टे को अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखेंगे। तो ये जो लुक होगी ये आपकी महारानी स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा मैच करती हुई है। उसके बाद हम अपनी शोल्डर पिन इस्तेमाल करेंगे या आप क्लिप यूज़ करना चाहो तो शोल्डर क्लिप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम अपने दुपट्टे की जो दूसरी वाली नीचे की तरफ कॉर्नर गई हुई है इसकी कॉर्नर को सामने की तरफ घुमाकर लाएंगे और ऊपर में बिल्कुल इसकी बॉर्डर को स्ट्रेट करते हुए हम दोनों साइड पे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लेंगे। पीछे की साइड पे भी आप अगर इनको स्ट्रेट रखना चाहो तो कुछ इस तरीके से रख सकते हो और बस वेस्ट चेन का इस्तेमाल करके आप इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो ये हमारी स्टाइल नंबर 2 भी कंप्लीट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टाइल नंबर 3 की तरफ। स्टाइल नंबर 3 में मैं केवल आपको दुपट्टे की ड्रेपिंग अलग तरीके से सिखाऊंगी। आपका जो बॉटम साइड होगा बिल्कुल सेम होगा, सारे प्लेट्स आपके लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन पे ही होंगे और जो दुपट्टा वाला हमारा पार्ट है इसको तो आप अपने फ्रंट पे ठीक दुपट्टे की तरह ही लीजिए और दोनों ही साइड पे जो आपकी फैब्रिक आई हुई है दोनों शोल्डर पे इनको आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। पीछे की तरफ जो लेंथ गई हुई है आप मेक श्योर कि दोनों ही साइड पे लेंथ इक्वल हो और अब हम दोनों साइड की जो लेंथ की एक एक कॉर्नर है हम इसको घुमाकर लाएंगे और सामने की तरफ केवल हम इनको टक कर देंगे। ठीक ऐसे ही अब मैं दूसरी साइड पे भी इनके कॉर्नर को प्लेट्स में अरेंज करूंगी और टक कर दूंगी। इस लुक के साथ अगर आप वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करते हो तो ये लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये लीजिए स्टाइल नंबर 3 की भी फाइनल लुक रेडी है। पीछे की तरफ आपको दुपट्टे की लेंथ इक्वल रखनी है, यहाँ पे मेरी इक्वल नहीं थी इसलिए आप प्लीज़ इसे ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टाइल नंबर 4 की तरफ। स्टाइल नंबर 4 हमारा इन्फिनिटी ड्रेपिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड है लेकिन कम्प्लीटली उसकी तरह है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सामने की तरफ दुपट्टे की लेंथ रखते हुए हम इनको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे सिक्योर करेंगे। अब दुपट्टे की जो दूसरी वाली कॉर्नर है इसको हम अपनी ठीक सामने की तरफ वाटरफॉल टाइप से ही सेट करते हुए इनको टक करेंगे और अब हम सामने की तरफ ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मैं एक अपनी ब्लाउज से सेट करते हुए साड़ी क्लिप का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी दूसरी कॉर्नर को घुमाकर हम पीछे की तरफ से लेकर ठीक अपने सामने की तरफ लाएंगे और इसकी कॉर्नर को हम प्लेट में सेट करके सामने की तरफ टक कर देंगे। तो बस लीजिए हमारा जो स्टाइल नंबर 4 है वो भी रेडी है। तो ये स्टाइल भी ड्रेप करने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइलिश है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो ये सारे स्टाइल्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल स्टाइल नंबर 5 की तरफ। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने दुपट्टे को ठीक अपनी नेक पे आपको इस तरीके से रखना है और सामने की तरफ आपकी दोनों लेंथ रहेगी, दोनों लेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए और ऊपर की तरफ आप अपनी ब्लाउज से अटैच करते हुए दोनों ही साइड पे आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इस लुक के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रबर वाली वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये लुक थोड़ी सी ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पीछे की साइड पे इनकी बॉर्डर लाइंस को मिलाते हुए आप चाहो तो सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं सामने के जितने भी प्लेट्स इकट्ठे लगे हुए थे, मैं इनको हल्का सा स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि सामने की तरफ ये प्लेट्स हल्के से फैले हुए दिखें। तो लीजिए, ये रहा हमारा फाइनल लुक। सो गाइज, इस मखेला चैडर में आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।